कोरोना के मामलों में वापस आई तेजी हर दिन डरा रही है। रविवार की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 43,846 मामले सामने आए हैं। ये साल का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 197 मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,59,755 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 22,956 लोगों के ठीक होने के साथ देश की रिकवरी दर 96.12% दर्ज की गई है। अब तक कुल 1,11,30,288 लोग देश भर में ठीक हुए। इधर भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के 12 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक को खुराक का आदेश दिया है। बता दें कि सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वायरस की एक नई लहर हो सकती है जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। 10 करोड़ 2 लाख खुराकों में से 1 करोड़ खुराक कोविशील्ड की होंगी जो SII द्वारा निर्मित की जाएंगी, बाकी भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन की होंगी। बता दें कि भारत में अब तक लोगों के बीच इस्तेमाल के लिए केवल इन 2 टीकों को भी अनुमति दी गई है। भारत में कोरोना का कहर बढ़ गया है। मार्च के शुरुआत में एक दिन में औसतन 15,494 मामलों को जोड़ने के बाद से विशेषज्ञों और दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल के नेताओं ने केंद्र सरकार से अधिक लोगों को खुराक देने की अनुमति देने की अपील की है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।